आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नजमुद्दीन शेख। कोरोना संक्रमण एवं शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही मुस्लिम समाज ने आज ईद मनाई। घरों पर पड़ी गई ईद उल फित्र की नमाज। सेंधवा में आज ईद का त्यौहार मनाया गया, पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए तथा शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही ईद का त्यौहार मनाया गया, जिसमें जोगवाड़ा रोड, मदनी मस्जिद ईदगाह तथा हनफिया ईदगाह पर पांच पांच लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। आम मुस्लिम जमात के सेक्रेटरी एजाज मंसूरी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सेंधवा की दो ईदगाह पर पाँच पाँच लोगों ने नमाज अदा की। मदनी मस्जिद के सदर सैयद यूनुस अली ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से और शासन की गाइडलाइन के अनुसार पाँच लोगों ने ही नमाज अदा की। नमाज के बाद पूरे हिंदुस्तान से कोरोना बीमारी की निजात की दुआ मांगी गई। आज हुई? हाँ, आज ईद की नमाज हुई है। पांच लोग आकर के ईदगाह में, हनफिया ईदगाह में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। जैसा कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उस पर हम लोगों ने अमल करते हुए आज ईद की नमाज हमने अदा की है। पाँच लोग सिर्फ। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम लोगों की खुशियाओं की कामना करता हूं, तमाम लोग खुश रहे। नाम आपका? सैयद यूनुस अली, जोगवाड़ा रोड, मदनी मस्जिद का सदर। आज ईद की नमाज थी, कितने लोगों ने मिलकर पढ़ी आज? कोरोना संक्रमण को देखते हुए, सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको देखते हुए पांच लोगों ने नमाज पढ़ी जमात के साथ और आगे हमारे पेश इमाम ने नमाज पढ़ाई। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बस यही कि ईद का संदेश देना चाहते सभी को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद ईद की सभी को, और बीमारी के लिए भी दुआ करी हमने कि मालिक इस हिंदुस्तान से सारी वबा को हटा दे, सारे लोगों को अपने काम धंधे से, अपने इस रोजी रोटी से लगा दे।